प्रोग्राम इनके इस सीरीज में हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे डबल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ हम देखेंगे कि डबल डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, इसके हर एलिमेंट को एक्सेस किस तरह से किया जाएगा और इस एरे को इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर हम कोई नया वीडियो क्रिएट करेंगे तो वो आपसे मिस नहीं होगा। अब सिंगल डायमेंशनल एरे होता है वेरिएबल्स का ग्रुप, और इस ग्रुप का भी अगर हम ग्रुप क्रिएट करें तो वो हो जाएगा डबल डायमेंशनल एरे, और इस डबल डायमेंशनल एरे का ग्रुप क्रिएट करेंगे तो वो हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे। अब देखते हैं कि इस एरे को क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या होगा। जैसे कि हमने देखा था, सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए हमें लिखना होता है एरे का साइज। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने लिखा है इंट, जो है हमारा डेटा टाइप, वी है हमारा एरे का नाम, और जो स्क्वायर ब्रैकेट यानी सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है 3, वो है हमारे एरे का साइज। अब अगर इस एरे का हमें 5 का ग्रुप क्रिएट करना है तो इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के पहले हमें और एक डायमेंशन लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ लिखा 5, तो इस 3 वेरिएबल का जो एरे है उसके 5 सेट्स क्रिएट होंगे, यानी हमारा 5x3 का एरे क्रिएट होगा, जो होगा 2 डायमेंशनल एरे। अब इस 2 डायमेंशनल एरे का भी अगर हमें ग्रुप क्रिएट करना है तो ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 5 लिखा है उसके पहले हमें और एक डायमेंशन लिखना है, जहाँ पे अगर हमने लिखा 2, तो इस 5x3 का जो 2 डायमेंशनल एरे है उसके 2 सेट्स क्रिएट हो जाएंगे, और जिसे हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। देखते हैं कि 2 डायमेंशनल के एरे एलिमेंट्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इन डेटा टाइप का एरे वी क्रिएट किया है, जिसमें उसका रो साइज है 5 और उसका कॉलम साइज है 3, यानी कि यहाँ हमारे पास 5 रोज होंगे यानी 5 सेट्स होंगे, और हर सेट में 3 कॉलम्स है। और जैसे कि हमें पता है एरे का स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे 0 से 4 तक रोज है और हर रो में 0 से 2 तक कॉलम्स है। इन एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा रो और फिर देखना होगा उसका कॉलम। जैसे कि अगर 0th रो को हमें वैल्यू असाइन करना है तो हमें वैल्यू असाइन करना होगा उसके 3 एलिमेंट्स को, यानी के वी ऑफ 00, वी ऑफ 01 एंड वी ऑफ 02 के लिए। अब इन 3 एलिमेंट्स के लिए हम लूप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने यूज किया है काउंटर सी, जो हम 0 से 2 तक एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ एरे वी के हर रो के लिए हमारे पास 0 टू 2 कॉलम्स है, और इन्हें वैल्यू असाइन करने के लिए, क्योंकि हम 0th रो के लिए वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यूज किया है जो सबस्क्रिप्ट, वो है रो इंडेक्स, मतलब रो का इंडेक्स जो 0 होगा, और सी जो हमारा कॉलम है वो होगा कॉलम इंडेक्स। इक्वल टू के बाद हमने वैल्यू असाइन किया है। अब हमारे पास 5 रो है, यानी के सिर्फ एक ही रो नहीं है 0, हमारे पास है 0 से 4 तक रोज। तो इस लूप को हमें 0 से 4 तक रिपीट करना होगा, यानी के इस लूप के बाहर हमारा और एक लूप होगा, आउटर लूप, जो होगा r इज इक्वल टू 0 to 4, और हमारा रो इंडेक्स अब यहाँ 0 के बदले हो जाएगा r, क्योंकि अब हम यहाँ सारे ही रोज के कॉलम्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। देखते हैं कि डबल डायमेंशनल एरे को
हम किस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है सिंगल डायमेंशनल एरे को अगर हमें वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसके बीच में हम वैल्यूज को लिख लेते हैं। अब क्योंकि डबल डायमेंशनल एरे ग्रुप ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसलिए हमें इन कर्ली ब्रेसेस के वैल्यूज को रिपीट करके इनका ग्रुप क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 4x3 का डबल डायमेंशनल एरे है, यानी कि हमारे पास 4 रोज होने चाहिए और हर रो में 3 कॉलम्स होने चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट में पहला होगा रो डायमेंशन, तो वो है 4 और हर रो में 3 कॉलम्स है, इसलिए नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3। अब हमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है तो लिखना होगा इक्वल टू, अब हर रो में 3 कॉलम्स है जो एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसलिए हम इन 3 वैल्यूज को कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। और क्योंकि हमारे 4 और क्योंकि हमारे 4 रोज है, हमें इन कर्ली ब्रेस के सेट को 4 बार रिपीट करना होगा। अब सेपरेशन के लिए हम लिखेंगे कॉमा, और क्योंकि ये कलेक्शन है तो इसके लिए हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, एंडिंग में देंगे सेमी कोलन। अब देखते हैं कि इस एरे के वैल्यूज को हम किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आउटर लूप है वो लिखना होगा, जिसके लिए हमने काउंटर यूज किया है R, और इनर लूप के लिए हमने काउंटर यूज किया है C। रोज का जो काउंटर है वो 0 से स्टार्ट होगा, और क्योंकि हमारे पास 4 रोज है तो 3 तक जाएगा, और कॉलम्स है 0 to 2 तक। और हर एलिमेंट का वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमें लिखना होगा printf, और कॉलम्स है इसलिए हम आगे देंगे /t। वेरिएबल होगा v ऑफ r c, यानी कि पहला जो इंडेक्स पोजीशन है वो होगा रो का, और सेकेंड इंडेक्स पोजीशन होगा सी का, यानी कॉलम का। ये 3 कॉलम डिस्प्ले करने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, इसलिए हम printf में लिखेंगे /n। तो 3 कॉलम्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन, इस तरह से हमें 4 बार यानी 0 to 3 रोज के लिए रिपीट करना होगा। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में डबल डायमेंशनल एरे के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे।